सर शुरुआत यहीं से कर देता हूँ मैं। आपको पता है लड़के कैसे होते हैं, लड़के दिन में कैसे होते हैं और रात में कैसे होते हैं वो सुन लीजिएगा। लड़के दिन में कैसे होते हैं, दिन में मोहसिन इधर आ, इंद्रा इधर आ, और रात के 10 बजे पता है लड़के फोन पे कैसे होते हैं। हेलो। अच्छा लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा हुआ है। लड़की बोलते हाँ हेलो बोल क्या कर रही है। लड़की यार खाना खा रही हूं, अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है। तो लड़की बदतमीज, यार 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 तू ऐसी बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। इंदिरा सर अब आपके लिए और निवेदिता मैम आपके लिए। तो लड़की ने बोला यार कोई 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 ढंग की बात कर ले, कोई नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक लोन होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इन दिस आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, आफ्टर ईयर 25% एंड द लास्ट विल बी 50%, इट विल बी रिमेन 50% टिल देन यू डोंट टेक लोन, यू कैन ट्रांसफर योर हैंड्स फ्री फॉर ऑल व्हीकल टू न्यू व्हीकल, बट बिफोर इट यू हैव टू सेल, वी कैन मेक इट अ लायबिलिटी पॉलिसी। लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। तो ये शुरुआत थी सर। इंदिरा सर आपकी वजह से वाली करनी पड़ी, हालांकि मैं कई बार हाँ ये लगा आपकी बार लगा कुछ नया किया तुमने। देखो मैं बता दूँ सर, मैं भी आ रहा था होजकास की मार्केट में, एक लड़की मेरे पास आई, कह रही विनोद, मैं कहा हाँ आप कौन, अरे मैं कहा नहीं पहचान पा रहा, अरे मैं कहा नहीं पहचान पा रहा यार। फिर उसने मोबाइल निकाला, इंस्टाग्राम पे 4-5 फोटो खींची, 4-5 फिल्टर लगाए, फोटो दिखला, बगा रे सीमा तू यहाँ कैसे। ये तालियां नहीं हो जाएगी मेरे को अच्छी तरीके से बता दे। हाँ नहीं नहीं मैं बता दूँ सर, ज़्यादा समय नहीं है मेरे को, शारिका ने पहले ही बोल दिया था विनोद ज़्यादा समय नहीं होगा, बट मैं दिल से एक बात बोलूँ, मैं चाहता हूँ यार एक बार ना जोरदार तालियां हो इंदिरा सर के लिए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि थिएटर में मैम जो करती हैं ये जानते होंगे, जब एक पुरुष महिला का दुख कहता है ना उस पुरुष को हमेशा सैल्यूट करना सोचते हैं। भगवान ने हर किसी को ऐसा दिल नहीं दिया वो महिला का, लेकिन मैं इस जगह से थोड़ा सा अलग होकर कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो मेरी भी शादी हुई, शादी से पहले बहुत सारी रुकावटें आई, उसको मैंने एक कविता का रूप दिया। रुकावटें पहली तो इस बात पर कि इस चेहरे की शादी होगी, सोच सकते हो, और ताली तो आप बजाना वो भी लव मैरिज। तो अब यहां से सुनो, देखो मैं एक बात बताऊं कि मैं सीधा सीधा कविता पे आ रहा हूं क्योंकि मुझे शारिका ने बोल दिया था विनोद सर समय थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा कम है। हाँ मैं समझ गया बिल्कुल, लेकिन शारिका आप यकीन मानो शारिका ही वो लड़की है जो सबके मोबाइल पे मैसेज भेजती है, लूज वेट नाउ आस्क मी। तो बस मैं यहाँ से अपनी बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़के की बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ जेन्युइनली, मतलब ये वो चेहरा, एक बार बेटा इधर आ जा प्लीज, ये वो चेहरा है, अगर ये चेहरा यूक्रेन के पास होता है तो रशिया का भी हमला नहीं करने का था उस पर, पर दिक्कत की बात यह है ये चेहरा इंडिया के पास है इसलिए हमने लिखा। बस हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं इंदिरा सर की भी इज्जत 2 बजे से करता हूँ। इंदिरा सर आज आपका और मेरा मेरे ख्याल से 15वां है सर, ये जहाँ पे हम मिले हैं आज पहली बार है ना, मैं चौथा भी बोल सकता था पर एक आदमी का चौथा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना। तो इंदिरा सर की मैं इज्जत इसलिए करता हूँ, जब ये बिल्कुल इसकी मुश्ताक नाम है ना लड़के का, सकलेन मुश्ताक, अच्छा मेरे को दोनों याद रहे। तो सकलेन की उम्र के जब थे इंदिरा सर, तो ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाया करते थे, और लड़कियां जब स्कूल से बाहर निकलती थी तो इंदिरा सर एक ही बात कहते थे, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे घबराने की जरूरत नहीं है और तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर ये थोड़े से बड़े हुए, फिर ये मोहसिन की एज पे आए, फिर ये कॉलेज के बाहर जाके खड़े होने लग गए, फिर कॉलेज से बाहर लड़कियां निकलती बोलते जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई हाथ पे नहीं लगा सकता। फिर इंदिरा सर की शादी हुई, फिर ये हनीमून के लिए गए और इन्होंने वही लाइन बोल दी, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता।
लेकिन एक ऐसे लोग हमारे बीच में आए हैं, लेकिन देखिए कोई बीच में इंटरप्ट करता तो वो जो बहर बनाई होती है वो टूट जाती है। मैं सीधा सीधा आपको कविता से जोड़ता हूँ कि मैं ना मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था, मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था, और उसको अपना बनाने का, नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन मैं ऐसे नेहा के ख्वाबों में खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था, बस इसलिए आंख मूंद के सोया हुआ था, इतने में नेहा के पापा का फोन आया और मैंने घबराते हुए उठाया, पर मुझसे बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। यार मतलब इंदिरा जी आप सोच सकते हो एक लड़की का बाप लड़के से बोल दे यार तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, मैं कितने ख्वाब बुन चुका था। मैं जल्दी से नेहा के घर में पहुंचा, मैंने बाबू जी के पैर छू के बोले बताइए बाबू जी आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले बताइए नेहा के लिए कैसा है। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चलाया, अरे नेहा मेरी जिंदा मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी क्या है, करीना है कटरीना है, मैं गदर का सन्नी दो, ये मेरी माना आपकी मुनिया है पर मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं 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 ताली मत बजाओ, ये जो परत दर परत में खोल रहा था ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली, मुझसे बोला आप नेहा के भाई हूँ, मैं बोला मैं बोला बाबू जी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले बेटे नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने जल्दी से कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला आज खुश तो बहुत होगी तो। बोली यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम। मैं बोला मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो, नहीं मेरी बाहों में क्या पोलियो हो गया था जो उसकी भाई थाम रही हो। बोली यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, पर थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाऊं का है, भूल जाऊं। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। लड़कों का ये मास्टरपीस ब्रह्मास्त्र है भाई साहब उनका, एक बार उन्हें पता चल जाए उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ रही है सारे खर्चे गिना देते हैं। अब मैंने भी गिनाने की कोशिश करी, मैं बोला मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेटर जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, एक भी पैसा लौटाया था। अरे तेरे जिस चाचा ने मेरा आशिकी के चक्कर में सर फड़वाया था कोविड में, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। कि तेरा ओपन पत्राचार में फार्म भरवाया था, अरे वो नोवी फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था। सकलेन अब तुम सुनो, तुम्हारे से रिलेटेड बोल रहा हूं। क्या खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, मैंने बोला उसे, पर तेरे से रिलेट है इसलिए तेरे को बोला। मैंने बोला उसको कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने दी। देखो पेडिक्योर क्या होती है मैं बतलाता हूं सर। ये जो
ये जो तुम अपने बाथरूम में टूटी को चालू करके और टूटी को पकड़ के अपनी ऑडियो को यूं यूं करते हो ना, ये लड़कियां उसके भी 3,000 रुपए दे कहते इट इज कॉल्ड पेडिक्योर के खुद ईट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी, और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना कोविड में, कितनी भी मंदी आई उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। भाई बोल रहा था, मोहसिन भाई बोल रहे थे इश्क में, आपने सब लोगों ने इश्क पे सुनाया, तुमने क्या क्या बड़े काम किए होंगे, मेरे जैसी मोहब्बत नहीं करी भाई। सही बात। मैंने उसे बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। अच्छा। मैंने उसे बोला, और मेरे जैसी मोहब्बत भाई साहब आज तक किसी ने नहीं, शायद हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वाले आ जाए, मेरा नाम भी दर्ज हो जाए इस चीज़ में, मेरे जैसी मोहब्बत किसी ने नहीं। अगली पंक्ति से आपको पता चलेगा कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया। कितने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे लौटाओ, कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ, और अब गाली वाली फीलिंग लेना पहली पंक्ति में, गाली वाली फीलिंग लेना पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में आप समझ जाओगे, जिस जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी मेरे साथ डायलॉग बोलेगा, जिसने 2 मिनट की तो रहेगी बस 2 मिनट की, ठीक है। मैं इन्हीं लोगों की वजह से सिंगल रह गया तू, ये लोग मोहब्बत पूरी नहीं होने देते। सर मैंने उसको बोला, भाई साहब अब गाली वाली फीलिंग लेना अगली पंक्ति, सिर्फ 1 मिनट में पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, इसके बाद की बात बतला रहा हूँ। मैंने उसको बोला कि तेरी बेवफाई को मेरे लिए दिल पे लिखे तेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी मेरे साथ डायलॉग में, कि तेरी बेवफाई को मेरे दिल पे लिखे तेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये मैं, बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है। अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ सनी देओल का डायलॉग बोलेगा, वो बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है। मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे, मारते जा रहे थे इस बात का गम नहीं है, साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे के बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे, भेजा राजकुमारी नादवे मणिमदना बाहर मुकाम तेजा। मेरे दोस्त जब अधमरी हालत में मुझे स्कूटी पर बैठा के ले जा रहे थे, हरामखोर मनी मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे। खैर एक दिन वो दिन भी आया, वो लड़का गली में बारात लेके आया, मैं घर से निकला और बाहर चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई, भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई, उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बत। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है, आज उसी निया से मेरे घर में नूपुर नाम की 5 साल की बच्ची है, आज उसी निया से।